उधर सागर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक महीने पहले हुए युवक के अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीएसपी अमृता दिवाकर ने बताया कि 1 अगस्त को नंदकिशोर अहिरवार का छत विशद शव मिला था। पुलिस ने उसके हाथ पर लिखे नाम और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंची है और इस अंधे कत्ल का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी आपस में दोस्त थे और उन्होंने वारदात के पहले साथ में शराब भी पी थी। विवाद होने पर आरोपी जितेंद्र अहिरवार और गोविंद यादव ने मिलकर नंद किशोर की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था। दिनांक 1/8/2020 को आरटीओ कार्यालय के पास एक लाश मिली थी जो काफी क्षतविक्षत हालत में थी। हम लोगों ने जो है इसमें अपना जो व्हाट्सएप और साइबर की मदद ली। ये व्यक्ति जो है इसका नाम नंद किशोर टउवा पिता उर्फ भगवान दास अहिरवार है। इसकी CDR वगैरह ली गई तो पता चला हमें कि इसके जो दो दोस्त थे, एक जितेंद्र अहिरवार और एक गोविंद यादव, इन लोगों ने अत्यधिक शराब पी हुई थी। पत्नी को लेके इनका आपस में विवाद हुआ। दोनों आरोपियों के पास क्रमशः तलवार और एक के पास छुरा था, जिससे उन्होंने जो है इसका मृतक का हर हमला किया। बाद में उसका पत्थर से जो है सर को चल दिया।